गाइस, हम कभी कभार ऐसे डॉग ब्रीड ला देते हैं जिसका मेंटेनेंस का खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है और हमें पता नहीं होता कि लो मेंटेनेंस वाले डॉग ब्रीड कौन कौन से हैं। तो आज जो है इस वीडियो में आपको लो मेंटेनेंस वाले डॉग ब्रीड बताने वाला हूँ, जिसके कारण आपका जो मंथली खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा और आपका घर में जो भी बजट हो अच्छे से रहेगा। इसमें हम बात करने वाले बालों के ऊपर, डॉग के फूड के ऊपर, डॉग के हॉस्पिटल के ऊपर, डॉग के जो घर के खाने पर होता है वो कौन से अच्छे से डॉग सर्वाइव कर लेता है, डॉग की प्राइस भी इस पर डिपेंड करती है और छोटे मोटे खर्चे भी इसमें इंक्लूड होनेंगे। आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके, जिन लोगों ने भी बेल नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो डॉग ब्रीड आता है वो इंडियन डॉग ब्रीड है, वो है मॉडल हाउंड। ये डॉग ब्रीड काफ़ी स्लिम टाइप के होते हैं, आपको इंडिया में काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे। इनका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है, प्राइस भी आप देखोगे तो कम में आपको मिल जाएगा। इसका खाने का खर्चा आप घर के खाने से भी अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। इनको ज़्यादा हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नॉर्मल हॉस्पिटल में ले जाते हो तो भी अच्छे से सर्वाइव करते हैं, जल्दी से बीमार नहीं पड़ते। और इनके बालों के ऊपर काफ़ी कम खर्चा आता है क्योंकि लॉन्ग हेयर वाली ब्रीड नहीं होती है, काफ़ी स्लिम होती है, काफ़ी एक्टिव होती है, जिसके कारण ये जल्दी से बीमार भी नहीं पड़ती। और अगर आप घर का खाना देते हैं इसको, छोटा मोटा डॉग फूड भी देते हो तो भी अच्छे से ये सर्वाइव कर सकती है। जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड आती है वो है बीगल। बीगल के ऊपर खर्चा आपको बस इसके प्राइस के ऊपर आता है। जब भी आप इसे बाय करने जाते हो तो इनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, इनका प्राइस जो है 15,000 से 20,000 के अब भी जा सकता है। बट इनको रखने में काफ़ी ज़्यादा कम खर्चा आता है, जैसे कि इनका मेंटेनेंस का खर्चा काफ़ी कम आता है, डॉग फूड का काफ़ी ज़्यादा कम खर्चा आता है क्योंकि इनकी साइज़ भी काफ़ी कम होती है। घर में आसानी से रह सकते हैं 2 BHK 1 BHK, क्योंकि साइज़ भी काफ़ी कम होती है, यहाँ वहाँ ले जा भी सकते आप आराम से। उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कभी कभार कम आता है और जो इनका घर का खाना होता है वो भी आप इसे दे सकते हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हॉस्पिटल का खर्चा भी आपको कम आता है, बस इनको कभी कभार अगर आप अच्छे से केयर करते हो तो बीमार नहीं पड़ेंगे, बट अगर आप ध्यान नहीं देते हो बिल्कुल तो साल में एक आध बार ये बीमार पड़ सकते हैं, तो उस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट डॉग ब्रीड आती है वो है कि डॉबरमैन, एक ऐसा गार्ड डॉग आप इसे बोल सकते हैं। काफ़ी अच्छे होते हैं, स्लिम टाइप के डॉग ब्रीड होते हैं, इनके बाल भी काफ़ी शॉर्टकट होते हैं, इनका बाल ज़्यादा बड़े नहीं होते, इसलिए आप ब्रशिंग वगैरह घर पे करो तो भी अच्छे से रहते, मेंटेन रहते। इनको आप घर का खाना भी दे सकते हो, इंडियन वेदर के हिसाब से काफ़ी बेस्ट डॉग ब्रीड इन्हें कहा जाता है क्योंकि सारे वेदर में अच्छे से रह लेते हैं। ये अपार्टमेंट में भी अच्छे से रह लेते हैं, विलेज में भी अच्छे से रह लेते हैं और छोटे मोटे घर में अंदर 2 BHK में भी आराम से रह सकते हैं। ये डॉग ब्रीड घर के खाने से भी अच्छे से मेंटेन रहते हैं, डॉग फूड अगर आप इन्हें दे रहे हो तो डॉग फूड भी काफ़ी अच्छे से खा लेते हैं। इनको आप नॉनवेज वगैरह घर का खाना भी दे सकते हैं, उससे भी अच्छे रहते हैं। प्राइस की बात करें तो डॉबरमैन का प्राइस 12,000 से चालू होकर 18,000 के बीच जा सकता है, डिपेंड करता है क्वालिटी पर भी, किस तरह से आप क्वालिटी उसकी ले रहे हो। जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड है ये मैं आपको सबको रिकमेंड कर सकता हूँ, वो है कि पोमेरियन डॉग ब्रीड। ये काफ़ी स्मॉल टाइप की होती है, इंडियन वेदर के लिए तो काफ़ी बेस्ट मानी जाती है और इंडियन हाउस में भी ये काफ़ी आसानी से रहती है। ये वाइट कलर में मिलेगी, बस इनके बालों के ऊपर आपको थोड़ा बहुत खर्चा आ सकता है और कभी कभार इनको अगर अच्छे से डाइट फॉलो नहीं करते तो ये बीमार पड़ सकते हैं, बस उस दोनों बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी ये घर के खाने से काफ़ी अच्छे रहते हैं, अगर आप इनको डॉग फूड ना दें तो भी काफ़ी अच्छे से रहते हैं, बट अगर आपको थोड़ी बहुत इनकी हेल्थ अच्छे से करनी है तो आप डॉग फूड दे सकते हो। डॉग फूड का खर्चा इतना नहीं आता आपको, मंथली जो भी आपको इसका 3 kg या 4 kg उतना ही लगेगा, उसके साथ आप घर का खाना भी मिक्स करके दे सकते हैं और काफ़ी अच्छी होती है, इजी टू ट्रेन होती है, आप घर पे भी ट्रेनिंग का खर्चा भी पैसा बचा सकते हो, घर पे इसको ट्रेन करा के बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से रहते हैं। एज अ वॉच डॉग की तरह भी आप इसे रख सकते हैं, ये गार्ड डॉग नहीं बट वॉच डॉग अच्छे से बन सकता है। जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड आती है वो है पग। ऐसे बहुत सारे लोग जो है वोडाफोन का डॉग ऐसा भी करके बुलाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड बन चुकी है इंडिया में ये डॉग ब्रीड। इन्हें मेंटेन रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आती, इजी टू मेंटेन आप रख सकते हैं। डॉग फूड भी इनको ज़्यादा नहीं लगता, इनका पेट काफ़ी छोटा होता है, घर के खाने से भी आप इसे अच्छे से मेंटेन रख सकते हो। बस इन्हें ध्यान रखना है इनको, जैसे कि कभी कभार डाइजेस्ट सिस्टम में और कभी कभार बीमार जल्दी से पड़ जाते हैं अगर आप अच्छे से डाइट नहीं रखते हो तो। अगर ये दो बात अगर आप ध्यान रखोगे तो काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभार ये सुस्त पड़ने के कारण, एक्टिव ना होने के कारण बीमार पड़ सकते हैं, उस बात का आपको ध्यान रखना है। इनका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है, 12,000 से स्टार्ट होकर आपको 15,000 तक आराम से डॉग ब्रीड मिल जाएगा और ये घर के खाने से भी अच्छे से रह लेते हैं, मेंटेन रहते हैं, 2 BHK 3 BHK में भी आराम से रह सकते हैं। इनको ले जाना भी काफ़ी आसानी है, काफ़ी आप गोदी में भी उठा के इन डॉग ब्रीड को ले जा सकते हो क्योंकि साइज़ काफ़ी इनकी छोटी होती है। आगे बढ़ने से पहले ज़रूर से वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। तो जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड आती है वो है बॉक्सर डॉग ब्रीड। ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट और फ्रेंडली टाइप के डॉग ब्रीड होती है, बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से रहती है। इनको मेंटेन का खर्चा भी आपको काफ़ी ज़्यादा कम आएगा, इनका कोट काफ़ी शॉर्ट कोट होता है, आप घर का खाना भी इन डॉग ब्रीड को दे सकते हो और डॉग फूड भी आप इसे दे सकते हैं। अगर आप एक अच्छा डाइट इन्हें फॉलो करते हो तो इनकी जो बॉडी है काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त और फिट लगेगी।
ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, इनको इसे ट्रेनिंग देना भी काफ़ी आसान होता है, तो आप घर पे भी इन डॉग ब्रीड को ट्रेनिंग दे सकते हैं। 2 BHK 4 BHK अपार्टमेंट में काफ़ी अच्छे से रह लेते हैं। अगर आप विलेज में रखना चाहते हो तो भी इन डॉग ब्रीड को आसानी से रख सकते हो। जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड आती है वो है राजा पालियम डॉग ब्रीड। ये डॉग ब्रीड जो है इंडियन डॉग ब्रीड है, आपको इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, बट आज के समय में काफ़ी रेयर हो गई है, किसी किसी के पास ही आपको ये डॉग ब्रीड देखने को मिलेगी, आपको ज़्यादा लोगों के पास नहीं देखने को मिलेगी। बट इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है, यह आपको 6,000 से स्टार्ट होकर 12,000 के बीच में मिल सकते हैं। बट अभी कोई कोई लोग इन्हें जो है हाई प्राइस में बेचता है, क्योंकि इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और जो इनके पॉपीज़ वो जल्दी अवेलेबल नहीं होते इसके कारण। बट ये आपको इजी टू ट्रेन है, काफ़ी स्लिम बॉडी होती है, काफ़ी एक्टिव डॉग ब्रीड इन्हें कहा जाता है, और जैसे इनका हॉस्पिटल का खर्चा ना के बराबर ही आता है। डॉग फूड आप इन्हें दो तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा, घर का खाना दो तो भी और भी बेटर रहेगा। और उसके अलावा जैसे कि आप बोल सकते हैं इनको ट्रेनिंग देना या फिर आप इसको सोशलाइज करना है, वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है इन डॉग ब्रीड के साथ। इंडियन वेदर के हिसाब से जैसे बरसात हो गया, धूप हो गई या ठंडी हो गई, ये सारे वेदर को अच्छे से सर्वाइव करके अपनी बॉडी को फिट रखते हैं। इसके अलावा जैसे छोटे मोटे खर्चे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि टॉयज़ के ऊपर 100 रुपये 200 रुपये का आता है। इनका बेल्ट अगर आप लाने चाहते हो तो उनका 300-400 रुपये का खर्चा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप डिवॉर्मिंग 3 महीने में एक बार कराते हो तो डिवॉर्मिंग का खर्चा 120 या 140 के आसपास आता है, डिपेंड करता है डॉग का वेट या वजन कितना है, उसके हिसाब से आपको गोली देनी पड़ती है। और उसके बाद जो वैक्सीनेशन का खर्चा आता है वो साल आता है साल का, वो आपको 1200 रुपये के आसपास आएगा। ये जो भी खर्चा है वो सभी डॉग के ऊपर लागू पड़ सकता है। तो जो नेक्स्ट हमारी डॉग ब्रीड आती है वो है लैब्राडोर रिट्रीवर। लैब्राडोर का प्राइस आपको देखने जाओ तो 12,000 से चालू होके 22,000 तक भी जाता है, डिपेंड करता है किस क्वालिटी का आप ले रहे हो, अच्छी क्वालिटी का और बढ़िया ले रहे हो या फिर इंपोर्ट करा रहे हो, उस पर जो है इनका प्राइस तय होता है। इसके अलावा फीमेल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इन डॉग ब्रीड को अगर आप डॉग फूड के साथ घर का खाना दो तो भी ये काफ़ी ज़्यादा से अच्छे से इनकी बॉडी मेंटेन रहती है। ये दही छाछ जो भी है घर के छोटे मोटे खाना हो गया, रोटी हो गई, और सब कुछ अच्छे से खा लेते हैं, दाल चावल। अगर आप इन्हें कभी कभार नॉनवेज वगैरह दे तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। सभी डॉग को आप नॉनवेज वगैरह दे सकते हैं, एग वगैरह दे सकते हैं, इनका प्राइस भी काफ़ी कम होता है। आपको आराम से 10-20 रुपये में जो है अंडा मिल जाएगा, एग मिल जाएगा, वो आप दे सकते हैं। नॉनवेज वगैरह आप दे सकते हैं तो उससे भी काफ़ी अच्छे डॉग ब्रीड मेंटेन रहते हैं। ये नहीं बल्कि सारे डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छे से मेंटेन रह सकते हैं कभी कभार आप दो तो। बस इनको आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे स्किन इन्फेक्शन या स्किन एलर्जी या इनके बालों के ऊपर आपको थोड़ा बहुत खर्चा हो सकता है, या और ये डॉग ब्रीड बीमार के मामले में जल्दी से बीमार नहीं पड़ते, काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। कभी कभार अगर बीमार भी पड़ जाते तो एक आध इंजेक्शन या फिर आप एक बार दिखाने ले जाओ तो काफ़ी अच्छे से रिकवर ये बॉडी कर लेते हैं। खाना भी अच्छे से खा लेते हैं, मेंटेन भी अच्छे से रहते हैं, और अच्छे वॉच डॉग या अच्छे गार्ड डॉग भी आप इन्हें बना सकते हैं। तो गाइस ये सारे डॉग ब्रीड थे जो कि लो मेंटेनेंस यानी कम खर्चे वाले डॉग ब्रीड है, इनका खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा कम आता है। तो अगर आपको ज़रा से भी वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।